आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज फॉर पटना से है। बढ़ते कोरोना को देख राजधानी पटना में धारा 144 लगा दिया गया है और 10 तारीख से 14 तारीख तक सघन मास जांच किया जा रहा है। वहीं आज पटना जिला अधिकारी कुमार रवि ने विभिन्न चौक चौराहों पर फास्ट मास्क चेकिंग अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने साफ तौर से कहा है कि पटना में जितने भी प्रतिष्ठान हैं, बसें हैं, गाड़ियां हैं, उनमें से जो भी पैसेंजर जो दुकानों में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं कुमार रवि ने साफ तौर पर कहा कि यह अभियान लगातार 10 दिनों तक चलेगी। बिना मास्क के जो भी सफर करते हैं, दुकानों में जाते हैं, उनका फाइन काटा जाएगा। साथ ही साथ डीएम ने गरीबों लोगों को मास्क भी दिए और मास्क पहनकर रहने के लिए कहा। मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का ये अभियान है, कब तक चलेगा? अभी जो मास्क चेकिंग अभियान पटना जिला में चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी प्रतिष्ठान हैं, बसेज हैं, गाड़ियां हैं, उन सभी में जो पैसेंजर्स जा रहे हैं, दुकानदारी करने के लिए लोग खरीद बिक्री करने जा रहे हैं, उन सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ उनको ये गतिविधियां करने की अनुमति दी गई है, तो इसका इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है और उनको फाइन भी लगाया जा रहा है। और कई सारे प्रतिष्ठान जो कि बिना मास्क के ही खरीद बिक्री कर रहे हैं, उनको बंद भी कराया जा रहा है। गाड़ियाँ जो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना चलाई जा रही हैं, तो गाड़ियाँ जब्त भी की जा रही हैं और फाइन भी लगाया जा रहा है। ये स्पेशल ड्राइव अगले 10 दिनों तक चलाया जाएगा। पूर्व से ही जिला प्रशासन की टीम के द्वारा सभी जगहों पर ड्राइव लगातार चलाया जा रहा है और लगभग पूरे जिले में 37,000 लोगों को अब तक फाइन किया गया। आज से पुनः विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये भी देखा गया कि जो लोग जब मास्क पहनना शुरू करते हैं, मास्क पहनने का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो संक्रमण के दर में काफ़ी कमी आती है। जैसा कि पटना में भी हम लोग देख रहे हैं कि रिकवरी रेट 88% है और प्रतिदिन जो पहले 600-700 की संख्या में संक्रमण निकल रहे थे, अब इसको 200 से 250 तक ही सीमित है। इससे काफ़ी फायदा होता है, ये लोगों को समझना होगा।